क्योंकि उन्होंने आज आप सबको मेरी ओर से और मेरे संगठन के लोगों की ओर से यहाँ पर निमंत्रण भेजकर इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया। बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर आज आए हैं। मैं जैसे आपका भाई भी हूँ और विशेष रूप से जिस खुशी से आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अभिनंदन किया, अगली भी बांधी। मैं गांव में रहा तो नहीं, लेकिन गांव की मर्यादा और पगड़ी की मर्यादा को उतना ही समझता हूं और उसके महत्व को उतना ही मानता हूं जितना कि सब लोग मानते हैं। इसलिए मेरे लिए आपके द्वारा पगड़ी बांधा जाना ये अत्यंत महत्व का विषय है। मैंने जब से राजनीति में काम करना शुरू किया 1993 में, तो एक ही बात मैंने बराबर कही है, पगड़ी बांधते समय भी कहता हूँ और वैसे भी कहता रहा हूँ जब पगड़ी कोई राजनीति के क्षेत्र में नहीं बंधी थी, कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए जो लोग सार्वजनिक जीवन में हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, समर्थन करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें पिछले 25 साल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन पर काम करने का मौका मिला है, जिसके कारण देश में दुनिया में प्रतिष्ठा मिली है, यश मिला है, उन सबको मैं हमेशा एक ही बात का विश्वास दिलाता आया हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन के कारण आपको कभी अपने जीवन में सर अपना इसलिए नहीं झुकाना पड़ेगा कि आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को कभी अपना आशीर्वाद। और मेरे लिए जो पिछले 25 साल के अंदर दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का या अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर जो पहले विधानसभा का चुनाव क्षेत्र रहा और अभी पिछले 4 साल से पार्लियामेंट का चुनाव क्षेत्र रहा है, वहाँ के लोगों का दिया गया प्रेम और समर्थन वो मेरी सबसे महत्वपूर्ण अमूल्य निधि है। और मैं हमेशा इसके कारण अपने आप को उन लोगों का ऋणी महसूस करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे सार्वजनिक जीवन में देश के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए जो कुछ भी करने का मौका मिला वो सिर्फ इसलिए मिला कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला। ये मेरे लिए भी खबर है जो इन्होंने अभी राज सिंह जी ने कहा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद चुनाव का मैंने तो सच बात है कि बूथ के लेवल पर कोई विश्लेषण नहीं किया। उसको आधा घंटा पहले मेरे पार्टी के लोगों ने कहा था कि आपको चांदी चौक में जाकर चुनाव लड़ना है, तो जैसे आपको जिस समय आपको पता लगा होगा रेडियो से, उस समय उसके आधा घंटा पहले ही मुझे पता लगा था, मुझे कोई महीना दो महीना पहले तो नहीं पता था। और उस नाते जैसा राज सिंह जी ने कहा कि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़े इस सीट पर और जितनी भी पार्टियों के लोग लड़े, उन सबके अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपको सबसे ज़्यादा इस गांव से ब्लेसिंग मिली, तो इसके कारण तो मैं और भी ज़्यादा भाव विभोर हो गया कि भाई मुझे तो ये बात आज पहली ही बार पता लगी है। मैं इसके कारण आपका और ज़्यादा हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे पहली बार संसद के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी कैबिनेट का मंत्री बनके उनके साथ पिछले 4 वर्ष से काम करने का मौका मिला। उसको मैं अपने जीवन का एक परम सौभाग्य इसलिए मानता हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व वो एक प्रकार से बहुत ही अनूठा व्यक्ति, वो असाधारण प्रतिभा वाला, असाधारण योग्यता वाला, असाधारण जज्बे वाला, ऐसे विश्व गुरु की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तो मुझे कम से कम इस स्टेटमेंट के अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को असाधारण आशीर्वाद दिया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि शायद
मोदी जी के पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री भारत में नहीं बना जिसके लिए लोग बनने के साल भर पहले कहना शुरू कर दिए थे कि हमें मोदी प्रधानमंत्री चाहिए, वरना किसी के बारे में ऐसे कोई नहीं कहता था। अटल जी भी प्रधानमंत्री बने लेकिन एक साल पहले कोई नहीं कहता था कि अटल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या अटल जी हमको, वो तो ठीक है बीजेपी का व्यक्ति तो कहता ही था, लेकिन मोदी जी के लिए स्कूल का बच्चा भी बोलता था जिसका वोट नहीं है कि मुझको मोदी चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वो हम सब लोगों के सपनों का प्रतीक बने, वो इस देश के नौजवानों के सपनों का प्रतीक बने, वो इस देश के करोड़ों बुजुर्गों के, महिलाओं के, बच्चों के, सबके अभिलाषाओं के प्रतीक बने। और 2014 की 26 मई से वो भारत को सेवा करके और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनकी ओर से भी आपको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हृदय से, मन से और आत्मा से भारत का परिवर्तन करना चाहते हैं। उनके लिए लोगों का कल्याण, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, उनके लिए मजदूरों का कल्याण, उनको लिए बहनों की सुरक्षा, उनके लिए लोगों का स्वाभिमान की रक्षा, ये सब कोई उनके लिए नारे नहीं है। वो इन सपनों को अपने जीवन के हर क्षण में जीते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर क्षण योजनाएं बनाते हैं। और दूसरे सरकार के प्रधानमंत्रियों की तरह वो खाली योजना नहीं बनाते, उनको कोई भी अच्छा मन में आइडिया आ जाए, कोई भी दे दे उनको अच्छा आइडिया, जो उनको लगता है कि वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, उसके माध्यम से वो अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर सकते हैं, तो उस आइडिया को एक प्रोग्राम में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उस प्रोग्राम को बहुत गहराई और गंभीरता से लागू करते हैं, और लागू करने के बाद उसको खुद स्वयं इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करते हैं। अभी आज 14 तारीख से और 5 मई के बीच में उन्होंने एक विशेष अभियान सारे देश में टेकअप किया है। ये अभियान क्या अभियान है, उन्होंने पिछले एक साल के अंदर बिना किसी को बताए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के सहयोग से देश के अंदर बहुत गहराई से अध्ययन कराया, सर्वे कराया, और ऐसे 115 जिले देश के अंदर उन्होंने ढूंढे, जिन जिलों के अंदर सरकार की योजना होने के बावजूद भी जो है लोग पिछड़े हुए हैं, लोगों को जो है उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, बच्चों को टीका नहीं मिलता, बच्चों के पढ़ाई के स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था नहीं होती है, और तमाम सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता है। और उन्होंने इन 115 जिलों को कहा कि ये देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे ये लोग जो देश के अंदर पीछे रह गए हैं इनको बाकी लोगों के पहले तो बराबर लेके आना है, फिर बाकी सारे लोग जैसे ऊपर उठ रहे हैं वैसे ऊपर उठाना है। देश के 1000 ऑफिसर्स को उन्होंने भारत सरकार से रिलीव करके देश के अंदर भेजा कई महीने पहले, और संकल्प लिया कि इस 14 तारीख और 5 मई के बीच में ये जो जितनी महत्वपूर्ण 7-8 सुविधाएं हैं ये देश के उन 22,000 गांवों के अंदर शत प्रतिशत लोगों को, शत प्रतिशत बच्चों को, शत प्रतिशत बुजुर्गों को एक एग्रेसिव कैंपेन करके मैं उपलब्ध कराऊंगा, ताकि 22,000 गांवों के उस मॉडल को मैं फिर रेप्लिकेट कर सकूँ। और इस काम को स्वयं को व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, और इस काम को करते करते उन्होंने, आप देखते हैं जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया, जिसमें देश की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना को लॉन्च किया। आज तक भारत में किसी ने इतनी गंभीरता से नहीं सोचा होगा कि 130 करोड़ लोगों में 50 करोड़ लोग ऐसे हो जिनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक उनके ऊपर खर्च करेगी, उनको सरकारी अस्पताल में जाकर
और किसी भी प्रकार से अपना दिन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में भी जाकर अगर इलाज कराना पड़ा तो उसके भी बिल्कुल रिइंबर्स करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस 20-25 दिन के लिए उन्होंने बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से, आज का जो दिन है 20 तारीख, आज देश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सारे ज़िलों के अंदर एक बहुत बड़ी जो हमारी उज्ज्वला योजना है उसके तहत उन लाखों महिलाओं को, लाखों हमारी बहनों को, माताओं को, जो पूरे सालों से जो है वो चूल्हे के अंदर जो है उसकी धुएं से जो है अपने फेफड़ों को जला रही थी, खपा रही थी और कैंसर का शिकार हो रही थी, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इतना हिम्मत की कि लोगों को बोले कि तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम खर्चा कर सकते हो, तुमको सरकार से सब्सिडी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब्सिडी वापस करो, मुझे ये सब्सिडी से जो है उस बहन की चिंता करनी है जो चूल्हे के अंदर जो है चूल्हे के धुएं से जो है मर रही है। और इस देश के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा, अभी तो शायद आज तो 4 करोड़ हो गया होगा, 3 करोड़ से ज़्यादा बहनों को उन्होंने जो है ये उज्ज्वला योजना के अंदर जो है ये चूल्हे उपलब्ध करा दिए। आज सारे देश के अंदर हमारे इस पार्लियामेंट्री सीट पर भी 3 जगह पर बड़े कार्यक्रम हैं। अभी 5 बजे ये कार्यक्रम आपके इसी वजीरपुर की कंस्टिट्यूंसी के अंदर होने वाला है और ऐसे लगातार कई कार्यक्रम हैं जो 5 मई तक हो रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने अपने सांसदों को भी कहा कि अपने अपने इलाकों के अंदर जाइए, लोगों के पास जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों की बात सुनिए, लोगों की बात समझिए, लोगों की तकलीफ जानिए और उनकी तकलीफ के हल के लिए जो जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करने की योजना बनाएं। सरकार जो कुछ कर रही है उसकी जानकारी उनको दीजिए और उनके जो भी अच्छे सुझाव हैं वो वापस लेकर मेरे पास आइए। और मेरा जो आज यहाँ पर आना हुआ, बहुत दिन से मैं राज सिंह जी से कम 2-3 महीने से मेरी बातचीत हो रही थी। जब भी ये राज सिंह जी आते थे तो मैं इनको कहा करता था कि एक दिन वजीरपुर गांव के अंदर मुझे जाना है, लेकिन शायद आज का दिन जो है इसके लिए मेरे लिए ये ट्रिगर होकर सौभाग्य का दिन हो गया कि आज आप सबको मुझे यहाँ पर मौका मिला आने का। मैं उन सब योजनाओं की यहाँ पर आज चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 4 साल के कामों की और उन योजनाओं की चर्चा करूँगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन विषय समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने विषय अपने हाथ में पकड़ा है, अगर उन्होंने झनझन पकड़ा तो फिर एक लाइन से देश के 99.99 लोगों को, 99% लोगों को उन्होंने खाते खोल दिए और खाते खोल कर 1 रुपये के बदले 100 पैसा बटन दबाकर उस देश के अंदर, जहाँ एक प्रधानमंत्री कहता था 1 रुपये के बदले 15 पैसा पहुँचता है और 85 पैसा रास्ते में लोग खा जाते हैं, वहाँ आज 1 रुपये के बदले 100 पैसा जो है सारे देश में पहुँचता है, हर देश के कोने के अंदर बटन दबाकर। और खाली एक इसी योजना से जो उन्होंने डिजिटलाइज करके ट्रांसपेरेंसी लाए, आज 60,000-70,000 करोड़ रुपये का वो पैसा जो बिचौलिए खा जाते थे वो सरकार के खाते में जनता के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, 7 करोड़ टॉयलेट बना दिए, 1-1 पंचायत तक इंटरनेट की लाइन पहुंचा दी, 18,000 गांव आज भी अंधेरे में उनको जो है उजाले में पहुंचा दिया। उन सब योजनाओं की मैं आज यहां पर चर्चा करने के लिए नहीं आया, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2022 तक वो नया भारत बनाना चाहते हैं। उस नए भारत को बनाने के लिए वो सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, सब लोगों का सहयोग चाहते हैं और वो चाहते हैं इस देश के हर नागरिक को कि वो भी इस सपने का अंग बने, वो भी कोई सपना अपने जीवन में पाले और उनका जो सपना है भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने का, जिसमें हर चेहरे पर हम मुस्कान लौटा सकें, हर दुख को दूर कर सकें, उसमें हम सब लोग उनके सपने के सहभागी बने। जिस प्रकार की भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं और जो यहाँ पर अभी समस्याओं को रखा गया है, मुझे आपकी कोई भी जो बात है उसमें कोई सुनने में समझने में अटपटी नहीं लगी, क्योंकि
अगर आपकी ज़मीन को पैसा दो पैसा या चवन्नी या ठन्नी के अंदर सरकार ने लिया तो और कुछ नहीं, तो इतना अधिकार तो अगर आप सरकार करती है नहीं करती है वो एक अलग विषय है, लेकिन आपका ये इतना अधिकार जताना जो है इसमें कुछ नाजायज शायद नहीं है कि भाई और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे को जो है हमारी ज़मीन के ऊपर एक शादी तो करने दो, हमारे परिवार का एक फंक्शन तो करने दो। मैं नहीं जानता कि सरकार के नियम कायदे कानूनों में ये कितना संभव होगा, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ और मैं ज़्यादातर 25 साल से लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई मुझे जिस दिन कोई तकलीफ नहीं मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस दिन मुझे वो दिन एक नॉर्मल लगता है। जिस दिन लोग ढेर सारी तकलीफ देते हैं तो मुझे उस दिन वो दिन ज़्यादा बेहतर लगता है, ज़्यादा नॉर्मल लगता है, क्योंकि यही हमारा राजनीतिक जीवन के अंदर कर्तव्य है, यही धर्म है और धर्म का पालन करने के लिए अगर हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं बताएगा तो हम करेंगे क्या। तो मैं लोगों को साधारण में यही बात बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान कितना प्रतिशत होगा ये मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि ये तो भगवान की इच्छा के अधीन है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयासों के अंदर, अपनी तरफ से प्रयासों की ईमानदारी में 100% में आधा प्रतिशत भी हम कम नहीं करेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये जो भी आपकी समस्याएं वगैरह बताई गई है कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। अभी आपने बताया कि मुआवजा जो है वो 22 रुपया, ये वजीरपुर जो है ऐतिहासिक गांव है जो सुप्रीम जमीन का नहीं है, कुछ जमीन का सिर्फ 5% जमीन ठीक है चलिए हुआ है। मैं तो अभी जो आपने जानकारी दी उसी की मुझे तो पता नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस गांव को जो है पहली बार एक प्रेसिडेंट तो कम से कम सेट हो रहा है, एक दिशा के अंदर तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, 5% हुआ है तो आगे का रास्ता भी जो है खोलने के लिए एक रास्ता कहीं ना कहीं दिखना शुरू हुआ है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, जब मान लीजिए कुछ था ही नहीं तो उससे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इतना तो मान के चलना चाहिए। तो ये जितनी आपने जो विषय इसके अंदर दिए हैं 2-3 ही विषय, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से और इस गाँव का जो है वो इतिहास बहुत जिसे कहते हैं कि प्रेरणा देने वाला है, उमंग और उत्साह देने वाला है, देश के अंदर स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग इस गांव के साथ जुड़े रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उस नाते इस गांव का DNA भी जो है वो स्पेशल DNA है। और राज सिंह जी जो है उनको मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, जब मैं राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया 1993 में तो उस जमाने के अंदर ये इस हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष होते थे, यहाँ जितने भी नेता बैठे हैं हमारे पार्टी के उन सबके अंदर सबसे वरिष्ठ है ये जिम्मेदारी के नाते, और इनको मैं तभी से देख रहा हूँ कि ये एक साइलेंट वर्कर है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। पिछले 25 साल के अंदर ये आज तक कभी मेरे पास, मैं 4 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा, कभी आज तक इन्होंने मुझसे आकर ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब हमको कोई छोटा मोटा टिकट दे दो, कोई कारपेंटर ये मेरा ख्याल से इनकी बड़प्पन है, इनकी महानता है और हमारी संस्कृति भी हमारी पार्टी की इसी प्रकार की है। हमारे यहाँ जो है मांगने से आदमी छोटा हो जाता है और उसका कद भी छोटा हो जाता है, मांगते रहते हैं, हालांकि हमारे यहाँ मेजोरिटी लोग मांगते रहते हैं, कल्चर हमारे यहाँ कांग्रेस का जो है हमारे यहाँ भी चल गया है, लेकिन ये मैं समझता हूँ हमारे पार्टी के एक श्रेष्ठ और अत्यंत निष्ठावान प्रमाणिक कार्यकर्ताओं को ये अगर सूची बनाए तो उसके अंदर इस इलाके के ये राज सिंह जी जो है उस सूची के अंदर आते हैं, कम से कम मेरी अपनी उसमें सूची के अंदर। मुझे बड़ी खुशी है कि ये वजीरपुर गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपके तो अपने ही हैं, और मैं इनको ये कहते जा रहा हूँ कि इस गांव की कोई भी गांव के लोगों की तकलीफ, गांव के विकास के लिए कुछ और करने की बात है, गांव की समस्याओं के समाधान के लिए कहीं पर भी आगे बढ़ चढ़ कर कुछ करने की बात है, तो उसके अंदर ये आपके प्रतिनिधि के रूप में हमें जानकारी देते रहेंगे, आप पीढ़ी के माध्यम से फॉलोअप भी लेते रहे। और ये जैसा मैंने कहा ये साइलेंट वर्कर है, इन्होंने कागज़ दिया है तो मुझे पता है इस कागज़ को ये खुद
फॉलो करते रहेंगे, एक आगे देने के बाद इसको भूलने वाले नहीं। तो हम जो भी प्रयास इसके लिए हो सकता है वो सारे प्रयास करेंगे। आप लोगों के साथ आज चूँकि थोड़ा समय की मर्यादा के कारण आज कार्यक्रम भी बहुत इन्होंने हमारे पार्टी के लोगों ने रखे हैं, ज़्यादा देर शायद इससे ज़्यादा मेरे लिए है उतना संभव नहीं है, लेकिन आगे कभी को भी आप मुझे याद करेंगे दिन हो रात हो तो इसी चौपाल के अंदर जो है मैं आके जो है मुझे भी चौपाल में बैठने में बड़ा आनंद आता है। तो 25 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में, बहुत सारी चौपालों में आने जाने का, बैठने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। और जो गांव के अंदर जो लोग होते हैं, चौपाल के अंदर जो लोग होते हैं, उनका जो आशीर्वाद होता है बड़ा सात्विक आशीर्वाद होता है। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती, उसमें कोई नौटंकी नहीं होती, उसमें कोई ड्रामा नहीं होता, उसमें कोई झूठ नहीं होता, उसमें केवल पवित्रता और सात्विकता होती है। इसलिए ऐसा वातावरण मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगा, आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और कभी राज सिंह जी को मैं कहूँगा कि अगर इस गांव के जो महत्वपूर्ण सभी लोग हैं उनको ये समय निकाल कर कभी हमारे निवास स्थान पर भी लेके आएंगे दर्शन करने के लिए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मैं इतना ही कहकर आज तो अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इतने की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ।